नमस्कार, ये खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से है, जहां माह सितंबर में संचालित राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर जिला अधिकारी अमित किशोर ने मुंडेरा बुजुर्ग ग्राम में पहुंचकर कुपोषित बच्चों के माता पिता के बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए दुधारू गाय प्रदान किया तथा कुपोषित बच्चों को पौष्टिक आहार की टोकरी भी दिया तथा गाय के गुड़ एवं चना भी खिलाए। इस गाँव के शेषनाथ, जिनकी 5 पुत्रियाँ हैं, सबसे छोटी पुत्री भी अति कुपोषित है, जिसका चिन्हांकन किए जाने पश्चात जिलाधिकारी ने उस परिवार के कुपोषण को दूर कराने के लिए उसके घर पहुंचकर काउंसलिंग भी की तथा जहां गाय एवं पौष्टिक आहार दिया, वहीं उनके बच्चों एवं वंशानुगत पाए गए बीमारी की केस स्टडी किए जाने के लिए बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर के श्रीवास्तव को यहाँ बुलाकर ब्लड सैंपलिंग कराए जाने का निर्देश उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी कृष्णकांत राय को दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि माह सितंबर में राष्ट्रीय पोषण माह संचालित है। गत दिवस माननीय मुख्यमंत्री जी की आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह निर्देश दिया गया कि ऐसे कुपोषित बच्चे को परिवार को गौ आश्रय केंद्र से दुधारू गाय उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि उन बच्चों को पौष्टिक आहार दूध मिल सके तथा गाय के गोबर से कंपोस्ट खाद तैयार कर पौष्टिकता के लिए हरी सब्जी किचन गार्डन में उगाकर वे प्राप्त कर सके। देखिए देवरिया से रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट।